स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको कॉमर्स के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं यह है क्वेश्चन नंबर 86। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हम लोगों ने इस चीज़ को कंप्लीट करना है। किसको? द कास्ट ऑफ मटेरियल इशूड यूज्ड ड्यूरिंग द अगस्त एंड कास्ट असाइन टू द एंडिंग इन्वेंट्री बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग परपेचुअल इन्वेंट्री कार्ड मेथड। ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइफो, लाइफो, मूविंग एवरेज एंड मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस। इसमें से मैं लाइफो, मूविंग और रिसेंट करवा देता हूँ, फाइफो आपने खुद कर लेना है। लेट्स स्टूडेंट, इससे पहले कि हम लोग इसकी डिस्कशन करें, इसको क्वेश्चन को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं कि इन्वेंट्री 1 अगस्त 1200 यूनिट एट द रेट ऑफ 8 पर यूनिट, परचेज 4 अगस्त को, फिर परचेज 10 अगस्त को, फिर परचेज 25 अगस्त को। अच्छा, इसमें इशू 17 है जो कि 10 के बाद और 25 से पहले है, 29 जो कि 25 के बाद ट्रांजैक्शन ट्रीट की जाएगी। मींस के उसने ना हमें कंफ्यूज़ करने के लिए एग्जामिनर ने इसकी तरतीब लगा दी कि परचेज और इशू, जबकि डेट वाइज नहीं बताया। तो डेट वाइज हम लोगों ने अरेंज कर लेना है, हमने ट्रांजैक्शन को डेट वाइज करना है जी। किस तरह करते हैं इसको देख लेते हैं जी, ये किस तरह करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपने यहाँ पर मैंशन कर लेना है कि आप करने क्या लगे हैं। हम लोग सोल्यूशन प्रिपेयर करने लगे हैं। ये किस चीज़ का सलूशन प्रिपेयर करने लगे हैं? हम क्वेश्चन नंबर 86 का सलूशन प्रिपेयर करने लगे हैं। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है सलूशन टू क्वेश्चन नंबर 86। अच्छा जी, इसमें हम लोग मटेरियल लेजर कार्ड बनाने लगे हैं, मटेरियल लेजर कार्ड। मैं लाइफो मेथड का प्रिपेयर करने लगा हूँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले डेट, देन परचेज, परचेज के बाद इशू और इशू के बाद बैलेंस, परचेज में यूनिट्स, पर यूनिट टोटल, इशू में यूनिट्स, पर यूनिट टोटल, बैलेंस में यूनिट, पर यूनिट और टोटल। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री है यकम अगस्त की, यकम अगस्त, ईयर मेंशन नहीं। यूनिट्स हैं आपके पास 1200, हर एक की पर यूनिट कास्ट है 8, और इसको सॉल्व कर लेते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये 9600 आपके पास अमाउंट आ जाती है। अच्छा जी, फिर वो कहता है अगस्त 4 अगस्त आपने यूनिट बाय किए हैं, आपने 300 यूनिट बाय किए हैं 8.50 के हिसाब से, 300 8.5, तो 2550 आपके पास स्टॉक हो गया 1200 8 के हिसाब से, 9600 का, 300 8.5 के हिसाब से 2550। अच्छा जी, 4 अगस्त के बाद 10 अगस्त को क्या हुआ, आपने परचेज़ किया कितने यूनिट, 300, किस रेट पे, 9 के हिसाब से 2700 के, तीन तरह की परचेजिंग, 1200 300 फिर 300, 8 8.5 9, 9600 2550 और ये 2700। अच्छा जी, 10 अगस्त के बाद आपने इशू किया, 17 अगस्त आपने इशू किए हैं 600 यूनिट। मेथड कौन सा है आपके पास? मेथड है ये लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये लास्ट इन, हमने इशू करना है 600, तो 300 तो ये हो गया इशू, मल्टीप्लाइड बाय 9 2700, 300 ये हो गए, 300 मल्टीप्लाइड बाय 8.5 2550, बाकी कितने रह गए, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज़ इक्वल टू 9600। 17 के बाद आपके पास है अमाउंट 25 के, 25 8। अच्छा जी, 25 को आपने अगेन बाय किए हैं 400,
409.65 तो अमाउंट है 3860। 1200 एट के हिसाब से 9600, 409.65 के 3860 फिर आपने इशू किए हैं, आपने 29 को फिर इशू किए हैं, कितने इशू किए हैं 700। मेथड है लाइफो, लास्ट से इशू 400, 300 मजीद वो ऊपर से, ये 9.65, 3860, ये 8 से मल्टीप्लाई करें 300 को तो 2400, बाकी रह गया 800 मल्टीप्लाइड बाय 8, 6400। ले स्टूडेंट, ये आपके पास एक ऑप्शन हुआ जिसमें आपने लाइफो मेथड के मुताबिक चीज़ों को इशू करना देखा। पहली आपका बैलेंस वही इधर रिकॉर्ड में, परचेज 4 अगस्त की, 10 अगस्त की फिर परचेज, फिर आपका इशू, फिर उसके बाद आपकी परचेज और फिर इशू। अगर आप इस कॉलम का टोटल करें 2700 प्लस 2550 प्लस 3860 प्लस 2400 तो आपके पास इशू का टोटल आता है 11510। अच्छा जी, सॉरी ये मुझसे थोड़ी सी गलती हुई, इस 1200 में से 300 इशू हैं, बाकी आपके पास जो अमाउंट है वो 900 है, 900 मल्टीप्लाइड बाय 8 तो ये वैल्यू आपके पास आती है 7200। अच्छा जी बच्चों, ये तो मेथड हो गया लाइफो का, अब मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको एवरेज मेथड पे। एवरेज मेथड जी, उसमें भी सेम यही काम करना है, डेट, डेट के बाद जी आपके पास पहला कॉलम परचेज, देन इशू और लास्ट वन इज़ दी बैलेंस, यूनिट पर यूनिट, देन टोटल, यूनिट पर यूनिट, देन टोटल, यूनिट पर यूनिट, देन टोटल। अच्छा जी, 1800 आपके पास यूनिट थे, 1200 8 के हिसाब से 9600, फिर आपने बाय किए, आपने 300 यूनिट बाय किए 8.5 के हिसाब से 2550। अच्छा, जब एवरेज मेथड है ना उसमें लॉट अलग अलग नहीं लिखते, उसमें इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 1200 और 300 ये 1500। अच्छा, अब करना क्या है, इसका तरीकाकार ये होता है, ओल्ड कास्ट जमा न्यू कास्ट डिवाइडेड बाय ओल्ड यूनिट्स जमा न्यू यूनिट्स। ओल्ड कास्ट है 9600, न्यू कास्ट है 2550, ओल्ड यूनिट्स हैं 1200, नए यूनिट्स हैं 300, 9600 प्लस 2550 तो अमाउंट आपके पास आ जाती है 12150 डिवाइडेड बाय 1500। सॉल्व करें तो 8.1, 1500 इंटू 8.1 12150। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आती है, ये तो होगी सॉरी 4 की परचेजिंग, 4 के बाद 10 को आपने मजीद परचेजिंग की है, 10 अक्टूबर को आपने कितने यूनिट बाय किए हैं, ये अगेन 300 थे लेकिन 9 के हिसाब से 2700, 15 और 3 1800। अब इसका दोबारा वही तरीकाकार अडॉप्ट करना है, ओल्ड कास्ट 1200, न्यू कास्ट 2700, ओल्ड यूनिट 1500, न्यू यूनिट 300 जमा 2700, 14850 तकसीम 1800, तकसीम 1800 8.25, 1800 8.25 सॉल्व किया तो 14850। अच्छा जी, 10 अक्टूबर के बाद आपके पास एक और ट्रांजैक्शन थी, वो थी 17 की, आपने इशू किए 600 यूनिट 8.25 के हिसाब से, 1800 में से 600 हो गए 1200 8.25, 600 8.25 4950, 1200 8.25 9900। अच्छा जी, देन आपने फिर परचेजिंग की, आपने परचेजिंग की, अच्छा ये 17 की बात ही, 17 के बाद 25, 25 को फिर परचेजिंग की 400 यूनिट 9.65 3860, दोबारा वही तरीका,
ओल्ड कास्ट 9900, न्यू कास्ट 3860, ओल्ड यूनिट 1200, न्यू यूनिट 400, सॉल्व कर लेते हैं। 9900, 3860, ये अमाउंट आपके पास आ गई 13760, इसको डिवाइड कर देते हैं 1600 पे, सॉल्व करने से आपके पास अमाउंट आ जाती है 8.6, 12 और 4 1600 यूनिट और 8.6 सॉल्व करें तो 13760। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास ऑप्शन आता है और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि हमने 25 के बाद इशू किए हैं, हमने इशू कितने यूनिट किए हैं 700, 8.6, बाकी बच गया 900, 8.6, 700, 8.6, 6020, 900, 8.6, 7740, अच्छा जी 9450, 6020, 10970, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है कास्ट एफिशिएंस और ये वैल्यू आ जाती है आपके पास एंडिंग। ये हो गए दो मेथड, फाइव वाला आपने खुद कर लेना, मैं आपको समझा देता हूँ इसका तीसरा मेथड। तीसरा मेथड जो उसने रिक्वायर्ड किया वो है कास्ट ऑफ मोस्ट रीसेंट परचेज प्राइस मेथड, मीन्स के जो मोस्ट रीसेंट परचेज है उसके मुताबिक आप करें। उसके लिए ना आपने यहाँ पे एक डाटा की तरतीब लगा लेनी है कि आपके पास अगस्त 1 को एक काम हुआ, फिर आपके पास 4 अगस्त को एक काम हुआ, फिर आपके पास 10 अगस्त को काम हुआ, फिर 17 को हुआ, फिर 25 को हुआ और फिर 29 को हुआ। यकम को क्या काम हुआ कि आपने यूनिट पहले से आपके पास मौजूद थे 1200 8 के हिसाब से, 4 को आपने परचेजिंग की 300 8.5 के हिसाब से, 10 को आपने फिर परचेजिंग की 300 यूनिट लेकिन 9 के हिसाब से, 17 को आपने इशू किए 600, 25 को आपने फिर परचेजिंग की 400 लेकिन 9.65 के हिसाब से, 29 को आपने इशू किए 7 यूनिट। अच्छा आप अगर ये जो परचेजिंग है इसको मल्टीप्लाई कर लें, 1296 और 300 मल्टीप्लाइड बाई 8.5 2550 2700 3860। अच्छा जी बच्चों हमने करना क्या है, दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक कास्ट ऑफ इश्यूएंस और दूसरी हमने एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है, और मेथड है हमारे पास मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री 9600 ये, देन हमारे पास परचेज है दो तीन, एक परचेज है 2550, एक परचेज है 2700 और एक परचेज है 3860, इन तीनों को प्लस कर लें 2550 2700 3860 9110 प्लस 9600 18710, ये आपके पास आ जाएगा टोटल अवेलेबल फॉर यूज, इसमें से हमने लेस कर देना है कॉस्ट ऑफ इशू तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। अच्छा जी इशूस कास्ट की तरफ आते हैं, आपने इशू किया एक 17 तारीख को 600 यूनिट और एक आपने इशू किया 29 को 700 यूनिट। अच्छा ये जरा देखें यहाँ पे 17 पे खड़े हैं, रीसेंट परचेज कौन सी है 10 की, रेट क्या है 9, तो आपने 9 से मल्टीप्लाई करना, ये देखो 29 700 यूनिट रीसेंट परचेज, ये इशूस डेट कौन सी है 9.25 29 के सबसे करीबी 25 और रेट है 9.65। इसको जी सॉल्व कर लेते हैं 600 मल्टीप्लाइड बाई 9 5400 700 9.65 6755 प्लस 5400 12155 12155 कास्ट ऑफ इश्यूएंस 18710 माइनस आंसर 6555। ये कास्ट ऑफ इश्यूएंस और ये एंडिंग इन्वेंट्री, मैं इसको ज़रा रिपीट कर देता हूँ,
हमने इशू करना था 600, लेकिन जो सबसे करीबी परचेज है उसके मुताबिक, क्योंकि है मोस्ट रीसेंट परचेज प्राइस, मोस्ट रीसेंट सबसे करीबी 10-9 उसका रेट है, मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया। 7 सबसे करीबी कौन सा है, 25, 9.65 मल्टीप्लाई किया तो 6755। ले स्टूडेंट इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये आंसर कंक्लूड होके आ जाते हैं। एक मेथड फाइफो मैंने इसलिए नहीं करवाया, वो ईजी है, वो आप खुद कर सकते हैं। इंशाल्लाह हाज़र होंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक आप अपना और मेरे चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।